Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुझे जाना होगा शारिक, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरा यहाँ रुकना पहले ही ठीक नहीं था और अब तो यहाँ रुकने का कोई जवाब ही नहीं बनता। इसी तरह उसकी जुदाई में आपने यूं घुलना है और अपने आप को बीमार रखना है तो क्यों नहीं जाके उसे ढूंढ लेते? कहाँ ढूंढूंगा उसे? जोया की शादी किससे करवानी थी? जोया की शादी शारिक से और किससे? शारिक से? बहुत याद आ रही है ना? उसे वापस ले आओ शारिक। कैसे? ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ ले आओ उसे। कैसे? उसे शादी कर लो। अपनी बीवी बनाकर पूरे मान और हक के साथ उसे इस घर में ले आओ। ये बात तुम ना भूलना, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकूंगा। सच वो है जो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आंखें ये कह रही, तुम भी मुझसे प्यार करती। फिर चाहे सारी जिंदगी कहती रहे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। बेटा चाय। जोया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं अम्मी, बेटा क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। असली याद आ रहा बेटा, इसमें उसी की वजह से तो हो रहा है ये सब कुछ। ये तो क्या कह रही हो जोया? हाँ अम्मी, वो मुझे छोड़ के नहीं जाता तो शारिक मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। शारिक? शारिक ये सब कुछ इसमें की वजह से ही हो रहा है। आज वो मेरे साथ होता,
शारिक से कभी मोहब्बत नहीं हुई थी। ऐसा तो सोच रहा था कि जोया और समीर के आने की खुशी में एक दावत कर दी जाए। दावत? जी जी दावत। वैसे भी हकीका तो करना ही है ना इसका। हकीका तुम जरूर करो नेमत, लेकिन दावत जरूरी नहीं। जरूरी है, दुनिया को पता चलना चाहिए कि नेमत अली की हाँ पोता पैदा हुआ। मेरे समीर का बेटा, इस खानदान का वारिस, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि इस समीर के बाद इसकी जिंदगी में कोई कमी रह जाए। बाप ना सही, दादा तो जिंदा है ना। शारिक ने मुझे और मेरे बच्चे को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। इज्जत, तहफ्फुज़ और मोहब्बत भी। वो मुझे अपना नाम देना चाहते थे। मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे सकी, मोहब्बत का इकरार भी नहीं। मैं उनसे मोहब्बत नहीं करना चाहती थी। आप लोग मेरे यकीन करें, पता नहीं कैसे हो गई। मैं क्या करूं, क्या करूं अम्मी? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है जी, माशाल्लाह। बस सलाम या जिंदगी दे, सेहत दे। काश इसकी सूरत की तरह इसकी किस्मत भी प्यारी होती। आप लोग बैठिए तो शुक्र रखिए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आई आज तशरीफ रखिए, आप लोग बैठे हैं। सो गया, कमाल हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सोया ने मुझे सब बताया कि तुमने उसकी किस किस तरह मदद की है। मैं तुम्हारा ये साथ कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। नहीं नहीं, प्लीज मुझे शर्मिंदा ना। झिझक क्यों रहे हो? खुल के कहो जो कहना चाहते हो। आंटी मैं, सर मैं जोया से शादी करना चाहता हूँ। अम्मा भी, नेमत भाई ने दावत तो बड़ी शानदार की है, तय पता नहीं कौन सी खुशी हाथ लग गई। इससे बड़ी क्या खुशी होगी, पला पलाया पोता मिल गया उसे। अरे इसके तो पांव जमीन पर नहीं लग रहे, हर वक्त उसको उठाए उठाए फिरता रहता है। वैसे एक बात कहूं, ये वही नेमत भाई है ना जिन्होंने इस बच्चे को अजमीर की औलाद मानने से इनकार किया था। अब भला कौन सा अजमीर उनके ख्वाब में आके सच्चाई बता के गया है? दाल में जरूर कुछ काला है। मेरी बात सुन, ये बेपरकी ना उड़ाया कर। अरे मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। आपके पल्ले कुछ पड़ेगा भी नहीं, उम्र जो इतनी हो गई। क्या कहा तूने, जरा फिर से बोल।
अम्मा भी, मेरे बात कहने का मतलब ये है कि जो नेमत भाई है ना, कभी भी अपने फायदे और मतलब के बिना कोई काम करते नहीं है। इस बात के पीछे भी जरूर इनका कोई मतलब है, वरना ये जो है ना नेमत जिनका नाम है, ये कभी भी अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं है। खुदा का खौफ कर, अपने पोते को अगर उठाए लिए फिरता है तो इसमें नेमत का क्या मकसद होगा? मैंने कहा ना अम्मा भी, आपके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। ठीक कह रही है, मेरे जेन ने ना काम करना बंद कर, वरना मैं तुझे इस दावत के लिए कभी ना बुलाती। अरे तू इस काबिल ही नहीं है, इस लायक ही नहीं है, चल जाओ यहाँ से भाग। जो इसके मुंह में आता है ये बोले जाती है, सोचती ही नहीं है। आगे पानी वाली मोटर चला। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम भाभी। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जनाब। शारिक साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई आप? जी नहीं। अच्छा आए आए। रहमत भाई देखिए हमारे घर कौन आया। शारिक तैमूर साहब, जिन्होंने हमारी जोया को अपने घर पे रखा था। सलाम अलैकुम। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सोया ने मुझे सब बताया कि तुमने उसकी किस किस तरह मदद की है। मैं तुम्हारा ये साथ कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। नहीं नहीं प्लीज, मुझे शर्मिंदा ना करो। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त से इस तकरीब के लिए वक्त दिया। माय प्लेजर। अब्बा जी आई जी अंदर आई। शारिक साहब ये मेरा बड़ा बेटा शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम। शारिक साहब। अच्छा बेटा बैठो। जी हां बात है। हां बात है। जी जी जी। अच्छा तो तुम वो लड़के हो जिसने जोया को अपने घर में रखा था। वालेकुम अस्सलाम। वैसे लगते तो तुम किसी अच्छे घर के लड़के हो। कितना पढ़े लिखे हो? मेरा मतलब है कोई काम वाम भी करते हो कि नहीं? जी मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ। डिप्टी कमिश्नर वो क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। तो पैसे कितने बनाते हो? जी कितना कमा लेते हो? जी और जी जी रहने दो, जो पूछा उसका जवाब दो मुझे। अम्मा जी। हाँ जी। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। शारिक साहब आप आइए अंदर मेरे साथ। अम्मा जी और ताई जी आपका वेट कर रहे हैं। और हमारी सोया को बताएं शारिक साहब अंदर बैठे। आइए प्लीज। आप हाँ अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, काफी लंबे सफर से आए आप। जी मैं ठीक। आप बैठे मैं आपके लिए चाय का बोलता हूँ। बैठे। आप कैसे? बहुत उदास, तुम दोनों के बगैर।
कैसा है मेरा प्रिंस? आपकी बहुत आदत हो गई है। इसे किसी और के पास जाता ही नहीं है। आपको अपना आदि नहीं बनाना चाहिए था। बहुत तंग करने लगा मुझे। आदतें जब तंग करने लगे तो बुरी आदतों में शुमार हो जाती है। तुम भी मेरी बुरी आदत बन गई हो साया। बुरी आदतों से जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ा लेना चाहिए। न जान पे बनाती है। जान पे तो बनाई है साया। हाजरा बता रही थी कि तुम जा रहे हो, एक रात रुक जाते तो अच्छा था। तो इतनी दूर से दावत के लिए आए हो, थक गए होगे। नहीं, I'm fine. बल्कि अच्छा किया आप लोगों ने बुला लिया। मैं खुद भी आप लोगों से मिलना चाह रहा था। इतने दिन हो गए हैं, जोया की और बच्चे की याद बहुत आ रही थी। और फिर आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात? एक्चुअली मैं बेटा झिझक क्यों रहे हो? खुल के कहो जो कहना चाहते हो। आंटी मैं सर मैं जोया से शादी करना चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं है किसी की भी। जरा सोचे, शारिक ने उस वक्त हमारी बच्ची का साथ दिया है जब हम में से कोई भी उसके साथ नहीं था। आप एक बार जोया से पूछ तो लें कि वो आपके बेटे की बेवा बनके इस घर में जिंदगी गुजारना चाहती भी है या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? परेशान हो रहे हैं आप? नहीं, शारिक के रिश्ते की वजह से हमें तो खुश होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, कुछ खुश होना चाहिए या परेशान? कुफराने नेमत ना करें। एक लड़की जिसका शौहर मर जाए उसकी दोबारा दूसरी शादी होना आसान बात नहीं होती। और अगर वो भी जाए तो कोई रंडवा या फिर कोई बड़ी उम्र का मर्द ही उसका नसीब बनता है। शारिक जैसा शौहर तो नसीब वालियों को मिलता है। हमें तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारी बेटी के लिए खुशियों के दरवाजे दोबारा खोल दिए। उसकी उम्र ही क्या है,
पहाड़ जैसी जिंदगी आगे पड़ी है उसकी, और हम कब तक उसका साथ देंगे? हमारे बाद सोया का क्या होगा? एक बच्चे के साथ अकेले वो इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारेगी? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मगर नेमत, मुझे परवाह नहीं है किसी की भी। जरा सोचे, शारिक ने उस वक्त हमारी बच्ची का साथ दिया है जब हम में से कोई भी उसके साथ नहीं था। जिंदगी में कदम कदम पर जोया को अजमेर की कमी महसूस होगी, और वो कमी शारिक पूरी कर सकता है। मैं यहां आप नहीं, अजमेर का कमरा खुलवा देना। मैं सोच रहा हूं कि जोया को ऊपर बुलवा लूं, उसूलन उसे हमारे साथ रहना चाहिए। मैं आज भाई साहब से बात करता हूं, और वैसे भी समीर के लिए बार बार ऊपर नीचे जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। आपका पोता इसी घर में तो है, आपकी नजरों के सामने, तो फिर वो ऊपर है या नीचे फर्क क्या पड़ता है? अब्बा जी, ये कुछ पेपर्स पे साइन कर दीजिए। जी बेटा, वैसे भी बेटियों को ससुराल में रहना चाहिए, मायके में नहीं, और जोया का असल घर हमारा घर। बीवी की असल जगह वो होती है जहां उसका शौहर होता है। अजमेर की जिंदगी में तो उसको मुकाम मिल ना सका, अब वो यहां रह के क्या करेगी? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अब्बा जी, आप एक बार जोया से पूछ तो लें कि वो आपके बेटे की बेवा बनके इस घर में जिंदगी गुजारना चाहती भी है या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो मेरा मतलब है अब्बा जी, अब जोया माँ जी और मेरी तरह घर गृहस्थी संभालने वाली तो है नहीं, पढ़ी लिखी है, क्या पता पुराने रिश्ते निभाने में उसे कोई दिलचस्पी ना हो। तुम्हें कितनी बार समझा है कि अब्बा जी के सामने मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। मैंने क्या किया है? कि अब्बा जी के सामने क्या बकवास कर रही थी तुम? तो मैंने कौन सा झूठ बोला जो आप गुस्से में इतने लाल पीले हो रहे हैं? नई मंजिल पे नजर रखने वाले को पुराने रिश्ते तो रास्ते के पत्थर ही लगेंगे ना। अब इस बकवास का क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाह रही हो आखिर? एक तो आपको बिना वक्त पे कोई भी बात समझ में नहीं आती। अब देखिए, सोया का इस घर से ताल्लुक अजमेर की वजह से था ना? हाँ, तो वो अजमेर के दुल्हन बनकर आने की बजाय उसकी बेवा बनकर इस घर में क्यों आएगी? एक बात बताओ, सोया ने इस बारे में तुमसे कोई बात की है? उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कुछ जरूर देखा। अच्छा, क्या देखा तुम्हारी आंखों? जरा मुझे भी तो पता चले। ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। नायला बेगम, तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। क्या मुसीबत है?
क्या हुआ बेटा? पापा देखे ना, बार बार गिरे जा रहे हैं, बन ही नहीं रहा। क्या बनाना है? घर बनाना है मुझे, लेकिन मेरा घर है कि बन ही नहीं रहा। घर इतनी आसानी से नहीं बनता बेटा, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जान मारनी पड़ती है, तब जाके एक घर बनता है। अच्छा, तो घर बनाने के लिए इतना कुछ क्यों करना पड़ता है? सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता। नहीं बेटा, नहीं बनाना फिर मुझे घर, ऐसी ठीक। वैसे देखा जाए तो जो भी हो रहा है एक तरह से ठीक ही हो रहा है। यही तो मौका है शाहनवाज भाई से खुला लेने का, और किसी अच्छे से आदमी से दूसरी शादी कर लो, तुम्हें औलाद का सुख तो मिले। यही प्लान था ना कि जोया भी इस घर में रहेगी और आपको भी औलाद मिल जाएगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नेमत अली का बेटा शाहनवाज अली कभी बाप नहीं बन सकता। नायला तुम बात तो करो जोया, प्लीज टॉक टू मी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अपने पोते के लिए आप जोया की जिंदगी बर्बाद कर देंगे? ETV, सारे रंग हमारे।